हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल जेई एग्जाम। सो आज के इस वीडियो में आपको सीमेंट के बारे में, सीमेंट डेफिनेशन, सीमेंट का केमिकल्स कंपाउंड क्या है और उसमें जो भी मेजर कंपाउंड्स है उसका फंक्शंस क्या है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आज ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। ओके, वीडियो देखने से पहले पूरा वीडियो को एंड तक देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है सिविल जेई। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है सीमेंट के बारे में। सो सीमेंट इज एन इनऑर्गेनिक मटेरियल लार्जली यूज इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज बोथ ऑन साइट एंड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ सेमी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। सो सीमेंट इज एन वाइडली यूजिंग। अभी तो सीमेंट जहाँ पे भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं सभी वर्क के लिए फर्स्ट सीमेंट यूज करते हैं, तो सीमेंट का डेफिनेशन आपको मालूम रहना चाहिए, राइट। सो सीमेंट इज एन मैन्युफैक्चर बाय यूजिंग द रॉ मटेरियल्स ऑफ अर्जिलेसियस एंड कैल्केरियसियस, राइट। तो अर्जिलेसियस मटेरियल बोले तो क्या, और कैल्केरियसियस मटेरियल का बारे में आपको मालूम रहना चाहिए। सो अर्जिलेसियस मटेरियल इज लाइक ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, शेल एंड क्ले, राइट। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग इज कंटेन्स एंड शेल एज वेल एज क्ले, राइट। एंड कैल्केरियसियस मटेरियल्स लाइक लाइमस्टोन एंड चार्ट। सो दीज आर द टू एग्जाम्पल्स। ओके, ये दो एग्जाम्पल है अर्जिलेसियस और कैल्केरियसियस मटेरियल के लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट में क्या क्या केमिकल्स है और उसका फंक्शंस क्या है और कितना परसेंटेज में ऐड करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या बनाया, यहाँ पे एक टेबलेट कलम बना के आपको दिया है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा मैं आपके लिए बनाया हूँ। तो फर्स्ट देखिए, इंग्रेडिएंट्स, केमिकल कंपोजिशन, परसेंटेज, फंक्शन। तो सीमेंट में कभी भी आप अच्छा याद रख लीजिए, लाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज सिलिका। लाइम एंड सिलिका इज मेजर कंपाउंड इन द सीमेंट, राइट। तो आपको एक क्वेश्चन भी आ सकता है, तो मेजर कंपाउंड सीमेंट में कौन सा है, तो उसके लिए आप याद रखना होगा लाइम और सिलिका। तो इसका केमिकल कंपोजिशन लाइम का है CaO, और इसका परसेंटेज जो है 62% है। तो ये मैं एवरेज वक्त को बता रहा हूँ, तो 62 से 66% तक भी ऐड कर सकते हैं, बट ये 62% फिक्स है, राइट। तो इस लाइम का फंक्शन क्या है, तो लाइम का फंक्शन है, देखिए, सेटिंग प्रॉपर्टी इफ लेस देन परसेंटेज देन द सीमेंट सेट क्विकली। तो ये सेटिंग प्रॉपर्टी है, सेटिंग प्रॉपर्टी के लिए जो भी सीमेंट सेट होने का जो प्रोसेस रहेगा वो लाइम की वजह से होता है। तो सेटिंग प्रॉपर्टी, अगर लाइम का परसेंटेज कम रहा तो वो क्या है, सीमेंट जल्दी सेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, इनिशियल सेटिंग टाइम हमारा जो सीमेंट का है, हम उसको जब आप वाटर ऐड करते हैं 30 मिनट्स मिनिमम टाइम, वो मिनिमम है। अगर आपका लाइम ज़्यादा है तो 30 से जल्दी ही वो सेट हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट्स, 10 मिनट्स में ही सेट हो जाएगा। तो आपके पास वर्केबिलिटी के लिए टाइम नहीं रहेगा, राइट। सो ये है इम्पोर्टेंट अबाउट द लाइन। नेक्स्ट इज सिलिका। सिलिका को हम केमिकल कंपोजिशन SiO2 से हम डिनोट करते हैं, और इसका परसेंटेज है 22%, राइट। सो सिलिका का जो फंक्शन है, इट इम्पार्ट स्ट्रेंथ, तो सीमेंट को ये स्ट्रेंथ देता है, राइट। सो ये सीमेंट को स्ट्रेंथ देता है। नेक्स्ट है अल्यूमिना। सो अल्यूमिना देखिए, अल्यूमिना Al2O3, तो इसका परसेंटेज है 5%, राइट। सो क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी इफ एक्सेस इट वीकेंस द सीमेंट। अगर ये क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी है, लाइम और ये दोनों फंक्शन भी सेम ही है, बट दोनों का है, ये अल्यूमिना का क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी है, राइट। और अगर अल्यूमिना एक्सेस हुआ तो सीमेंट को वो वीक कर देगा, तो स्ट्रेंथ गेन करने नहीं देगा। तो अल्यूमिना का परसेंटेज को हमको मेंटेन करना है 5%, उससे ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा हुआ तो वीक सीमेंट को वीक कर देगा, राइट। सो नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट। फोर्थ वन इज कैल्शियम सल्फेट, CaSO4। सो CaSO4 इज 4%, तो कैल्शियम सल्फेट जो है हम 4% में ऐड करते हैं। सो इसका फंक्शन जो है, इट प्रेजेंट्स इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम। देखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सीमेंट में हम जिप्सम क्यों ऐड करते हैं, टू रिटार्ड द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ये आपको क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आने का बहुत ही चांसेस है। कैल्शियम सल्फेट को हम जिप्सम बोलते हैं, जिप्सम क्यों ऐड करते हैं, जिप्सम हम जो भी सेटिंग टाइम है उसको रिटार बोले तो डिले करने के लिए, ठीक है। डिले बोले तो, अगर आपका सीमेंट 5 मिनट्स में सेट हुआ तो वर्केबल के लिए टाइम नहीं रहेगा ना फ्रेंड्स। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक केमिकल ऐड करना होगा, ताकि आपका इनिशियल सेटिंग टाइम जो है हम इंक्रीज कर सके।
उसके लिए हम कैल्शियम सल्फेट यानी जिप्सम ऐड करते हैं। तो इसका कैल्शियम सल्फेट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एज ए रिटार्डर यूज करते हैं, राइट। सो आयरन ऑक्साइड, नेक्स्ट इज आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड को देखिए Fe2O3, ठीक है, इसको हम Fe2O3 के डिनोट करते हैं। उसके बाद परसेंटेज है, सो इसका परसेंटेज है 3%। सो इसका फंक्शन क्या है, आयरन ऑक्साइड क्या देता है, इट इम्पार्ट्स कलर एंड स्ट्रेंथ। आपको मालूम है सीमेंट का कलर ग्रे जो है, राइट, वो कलर आयरन ऑक्साइड से ही आता है, राइट। सो इम्पार्ट्स कलर एंड स्ट्रेंथ, वो तो ये स्ट्रेंथ भी देता है एज वेल एज इम्पार्ट कलर। नेक्स्ट इज मैग्नीशिया, ओके, इसका केमिकल कंपोजिशन है MgO और परसेंटेज है 2%। सो इसका फंक्शन क्या है, ये हार्डनेस एंड कलर दोनों देगा सीमेंट को, ठीक है, हार्डनेस एंड कलर देगा सीमेंट को। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, बिकॉज आपको ये फंक्शन के ऊपर ही पूछते हैं। सो व्हाट इज द विच इंग्रेडिएंट इज ड्यू टू स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के लिए कौन सा आप केमिकल यूज करते हैं, बल्कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसका इस वीडियो को पूरा अच्छा देख लीजिए। नेक्स्ट है सल्फर, उसको यस से डिनोट करते हैं, 1% रहना चाहिए। अगर ये एक्सेस हुआ 2% सीमेंट विल बिकम अनसॉल्व, राइट। तो अगर ये एक्सेस हुआ तो आपका सीमेंट विल बी अनसॉल्व हो जाएगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट अल्कलीज, तो अल्कलीज के लिए देखिए ये परसेंटेज 1 है। सो अल्कलीज ज्यादा हुआ तो आपको क्या इफेक्ट होगा सीमेंट के ऊपर, इट कॉजस एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस इज नथिंग बट टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम, और फूल जाता है, राइट। सो उसके लिए अगर वो खुल गए तो क्या क्रैक्स होने का चांसेस रहेगा, तो इसके लिए आपको उसका भी ध्यान रखना होगा, राइट। ये हो गया फ्रेंड्स केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सीमेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रेशन बोले थे क्या, सो व्हाट यू मीन बाय हाइड्रेशन, राइट। एंड सो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, नेक्स्ट इज सॉरी हाइड्रेशन, दैट इज हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट बोल दो। सो व्हेन यू ऐड द वाटर, राइट, व्हेन यू ऐड द वाटर टू द सीमेंट, सीमेंट को जब आप वाटर ऐड करते हैं, जब वो वाटर, ठीक है, जब वो सीमेंट वाटर ऐड करने के बाद कुछ हीट जो प्रोड्यूस करता है उसको हम हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं, राइट। तो उसको हम हाइड्रेशन बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। तो हाइड्रेशन का मीनिंग क्या है, तो व्हेन द पोर्टलैंड सीमेंट इज मिक्स विद वाटर, इट्स केमिकल कंपाउंड कंस्टिट्यूट्स अंडरगो सीरियस केमिकल रिएक्शन दैट कॉजेस इट टू हार्डन। जब आप वाटर ऐड करते हैं सीमेंट में तो हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, बिकॉज जो भी केमिकल प्रेजेंट है सीमेंट में वो क्या है, केमिकल जो मिक्स होने के बाद उसको रिएक्शन होने के लिए वाटर जो होना है, राइट, दिस केमिकल रिएक्शन विद द वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। जो भी केमिकल रिएक्शन होगा वाटर के साथ सीमेंट, उसको हम हाइड्रेशन बोलते हैं। ईच वन ऑफ दिस रिएक्शन अकर्स एट डिफरेंट टाइम एंड रेट, तो ये डिफरेंट टाइम में और रेट में हो जाएगा। और क्या है, रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन डिटरमाइन हाउ द पोर्टलैंड सीमेंट हार्डन्स एंड गेन्स स्ट्रेंथ। तो हाइड्रेशन स्ट्रेंथ और हार्डन्स इसके ऊपर ही डिपेंड रहेगा, सीमेंट का जो स्ट्रेंथ और हार्डन्स है कि कैसे आपका सीमेंट हाइड्रेशन हो रहा है और कैसे आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन लिबरेट हो रहा है, और उसको आप मेंटेन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स मेजर्स ले रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रेशन के बारे में। नेक्स्ट है व्हेन पोर्टलैंड सीमेंट इज मिक्स विथ वाटर केमिकल कंपाउंड अंडरगोज ए सीरीज हीटन, ठीक है, राइट। नेक्स्ट है हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए देखिए, व्हेन आप जब वाटर ऐड करते हैं, ठीक है, वही मैं यहाँ पे लिख के आपको बता रहा हूँ। जब आप वाटर ऐड करते हैं सीमेंट में, ठीक है, जब आप वाटर ऐड करने के बाद सीमेंट से कुछ हीट निकल के आता है, बिकॉज सीमेंट में जो आप केमिकल जो ऐड किए हैं, राइट, लाइम सिलिका जो भी आपने अभी मैं प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा था, ठीक है, अभी मैं आपको पढ़ाया, तो उस सीमेंट में जो भी केमिकल प्रेजेंस है वाटर ऐड करने के बाद, वो वाटर के साथ जब रिएक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं तब वो हीट लिबरेट करते हैं, ओके, हीट को बाहर छोड़ते हैं, उस हीट को हम हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं, राइट। सो नेक्स्ट देखिए, तो केमिकल प्रेजेंस इन सीमेंट दैट इज सम फैक्टर्स फॉर दिस, ओके, सो फाइननेस ऑफ सीमेंट, सीमेंट कंटेंट, वाटर सीमेंट रेशियो एंड क्यूरिंग, ओके। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है अगर आपको हीट हाइट हाइड्रेशन अच्छा मेंटेन करना है, राइट। सो नेक्स्ट है
बोगस कंपाउंड। सर ये बोगस कंपाउंड क्या है? राइट, देखिए फ्रेंड्स, बोगस कंपाउंड ये जो आपने सेवन केमिकल जो ऐड किया है, राइट, लाइम सिलिका जो भी, राइट, उसको जब हम वाटर ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद जो भी वो रिएक्ट होते हैं, राइट, रिएक्ट होने के बाद, राइट, वो चार मेजर कंपाउंड में बदलते हैं। सो वो जो चार मेजर कंपाउंड में बदलते हैं, राइट, सो उसको ही हम बोलते हैं बोगस कंपाउंड। ये स्टडी करने के लिए चार यहाँ पे दिए हैं, राइट, मैं आपको एक एक बता दूंगा। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, राइट, ट्राई कैल्शियम अल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम अल्यूमिनोफेराइट, राइट, ये चार जो बोगस कंपाउंड है उसका फॉर्मूला और अब्रीवेशन मैंने यहाँ पे दिया है, बिकॉज आपको जो याद रखना है वो अब्रीवेशन ही याद रखना है आपको, ठीक है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के लिए C3A, उसका फॉर्मूला है 3CaOSiO2, और डाई कैल्शियम सिलिकेट के लिए 2CaOSiO2, राइट, उसके बाद C2S, उसके बाद ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट 3CaOAl2O3, C3A अब्रीवेशन, राइट, टेट्रा कैल्शियम अल्यूमिनेट उसके लिए 4CaOAl2O3Fe2O3C4AF। तो इसमें आपको परसेंटेज में मास इन द सीमेंट ये याद रखना है। तो C3H ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 30-50% रहेगा, C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट 20-45। तो मेजर कौन सा हो गए फ्रेंड्स? C3S एंड C2S, ये अच्छा याद रख लीजिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने का बहुत ही चांसेस रहेगा। और C3A जो है ट्राई कैल्शियम अल्यूमिनेट वो 8-12% रहेगा, और टेट्रा कैल्शियम अल्यूमिनोफेराइट C4AF 6-10% रहेगा, राइट। और अब आपको समझना है इस चार जो कॉम्पाउंड है, राइट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम अल्यूमिनेट, राइट, सो टेट्रा कैल्शियम अल्यूमिनोफेराइट को हम 6-10% में ऐड करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका फंक्शंस क्या है, ठीक है, इसका फंक्शंस देखिए, राइट, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ बोगस कंपाउंड। सो उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए C3S, सो C3S का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है इज अ रेस्पॉन्सिव फॉर अर्ली स्ट्रेंथ, ये अच्छा देख लीजिए। सो 7 डे स्ट्रेंथ जो भी आएगा वो C3S से आएगा, ठीक है। सो C3S इज ट्राई कैल्शियम अल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, राइट, सो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ, 7 डे स्ट्रेंथ जो भी आएगा वो C3S से आएगा। सो ये बहुत ही हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस करेगा, C3S ही हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस करेगा। तो ये सीमेंट विथ मोर C3S कंटेंट इज बेटर फॉर कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग। अगर आपका कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग करना है, कोल्ड वेदर, आपका वेदर कोल्ड है, ओके, फॉर एग्जांपल पूरा आपका जो भी है ठंडी एरिया है, ठंड है ना, उसमें आपको अगर आपको करना है कॉन्क्रीटिंग, तो आप C3S कंटेंट को ज्यादा रख के कर सकते हैं, राइट। सो ये हो गया इसका फंक्शन। नेक्स्ट जो है C2S जो है ड्राई कैल्शियम सिलिकेट, द हाइड्रेशन ऑफ C2S स्टार्ट्स आफ्टर 7 डेज, फर्स्ट 7 डेज C3S, आफ्टर 7 डेज C2S, ओके, फर्स्ट 7 दिन C3S रहेगा, उसके बाद C2S आएगा, हेंस इट गिव्स स्ट्रेंथ आफ्टर 7 डेज, ये फर्स्ट 7 डेज, ये सेकेंड नेक्स्ट 7 डेज। सो C2S हाइड्रेट एंड हार्डन स्लोली, ये स्लो हाइड्रेट होगा और प्रोवाइड मच ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या है? तो फर्दर जो आपका 14 डेज 15 डेज 30 डेज के बाद आपको स्ट्रेंथ मिलेगा। सो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लेटर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, राइट, लेटर स्ट्रेंथ देगा ये बाद में आपको 30 डेज 40 डेज, तो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ देगा, राइट। नेक्स्ट है इट प्रोड्यूस लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, दोनों रिवर्स है, ये ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस करेगा और ये कम करेगा, राइट। नेक्स्ट, सो C3A, राइट, C3A, द रिएक्शन ऑफ C3A विद वाटर इज वेरी फास्ट, राइट, सो सबसे फास्ट रिएक्शन वाटर के साथ C3A होगा, वेरी फास्ट, एंड मे लीड टू एन इमीडिएट स्टिफनिंग ऑफ पेस्ट एंड दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज फ्लैश शेड। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक डेफिनेशन बोल रहा हूँ, फ्लैश शेड बोले तो जब आप वाटर एड करते हैं C3A उसके साथ रिएक्ट होके ये पेस्ट जो प्रोड्यूस होगा उसको हम फ्लैश शेड बोलते हैं, राइट। सो ये प्रिवेंट करने के लिए, फ्लैश को प्रिवेंट करने के लिए 2-3% जिप्सम ऐड करते हैं,
ठीक है, जिप्सम ऐड करते हैं हम, तो जिप्सम ऐड करने से क्या होगा, क्लिंकर प्रोड्यूस होने से और उसका जो सेटिंग टाइम है वो रिटार्ड होगा, तो सीमेंट जल्दी सेट नहीं होगा, C3A% ज्यादा है तो जल्दी सेट होगा, राइट। इसीलिए हम 2-3% जिप्सम ऐड करके उसका सेटिंग टाइम को डिक्रीज या रिटार्ड करते हैं, राइट। नेक्स्ट है C4AF, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, राइट। इट हार्डन्स हाइड्रेट्स रैपिडली, बहुत स्लो ये क्या सेट होता है, इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, सो ये स्ट्रॉन्ग के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, फिर भी क्या है C4A shows comparatively higher resistance to the sulfate attack, अगर आप इस कुछ एरिया में सल्फेट अटैक ज्यादा है ओके, तो तब आप C4AF कंटेंट को ज्यादा करके आप यूज कर सकते हैं, हो गया फ्रेंड्स। तो ये हो गया पूरा आपको बोगस कंपाउंड के बारे में और सीमेंट, सीमेंट के हाइड्रेशन के बारे में। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने के लिए सिविल AEJEE जो भी ये YouTube चैनल है हमारा उसको सब्सक्राइब कीजिए। सभी को धन्यवाद एंड थैंक यू एंड ऑल, थैंक यू।